और मान सम्मान तो आप देख रहे हो कि हर इवेंट में इसी प्रकार का मान सम्मान मिलता है, बस मेरे को ये ही प्रेम चाहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग, मेरा नाम मनीषा मोदी है, मैं सुनील मोदी की वाइफ और मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, साथ में डिस्ट्रीब्यूटर चलाती हूँ। अगर पहाड़ पर हजार लोग खड़े हैं और अपन को उससे कहता है कि पहाड़ पे जाना है, तो क्या ये संभव है? अगर आप तो ये सोचेंगे कि नहीं, पहाड़ पे कैसे जाएंगे, रास्ता है जब तुम पहाड़ पे गए हजार लोग, तो हमें भी यही करना है कि उन हजार लोगों के साथ शामिल होना है। ये जीबीटी का जो रास्ता है ये पहाड़ है और अपन को उन लोगों के साथ शामिल होना है और हर मुसीबत से का सामना करके पहाड़ तक पहुंचना और ये करके दिखाना है। ये असंभव नहीं, संभव है और ये करके दिखाना है। विकल्प तो बहुत है मुश्किलें आने में, विकल्प तो बहुत है मुश्किलें आने में, संकल्प एक ही है मंजिल पाने में। दीदी ने और भाभी ने कई प्रकार की नारी शक्ति की बात करी है और आपने दीदी बिल्कुल सही कहा भाभी कि एक जेंट्स अगर कुछ कर भी रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है, वो यही है। वास्तव में शुरुआत मैंने मेरी वाइफ मनीषा के नाम से स्टार्टिंग करी थी और पार्लर वालों में कुछ सामान रखे और धीरे धीरे चलते चलते वो इतना बढ़िया चलने लग गया। मैंने डीपी भी इसकी स्टार्ट कर दी थी और मुझे समझ नहीं रही थी। मेरे हमारे ब्यावर की एक टीम की खासियत है, बहुत जबरदस्त कोई काम पहले बात करती नहीं और करती तो बहुत जबरदस्त करती है। मेरे करीबन 5-6 महीने का रिकॉर्ड है डीपी पे कि 10-12 लाख रुपए से कम का कोई बिल ही नहीं कटा है और इसमें सहयोग दिया मेरे को सबसे ज्यादा मेरी वाइफ मनीषा ने, जो मैं कभी किसी इवेंट में मीटिंग में बोल नहीं पाता हूँ, कुछ भूल भी जाता हूँ, थोड़ा दिमाग से भी कमजोर हूँ। तो मैं चाहूंगा कि एक बार मनीषा के लिए जबरदस्त तालियां हो जाए। क्या एक बार नहीं, मैं 1000 बार थैंक यू बोलता हूँ और सुबह से लेकर शाम तक बोलता हूँ। हाँ सर ने एक बहुत अच्छी एक मेरे को एक मीटिंग में एक बात बताई, हम सभी लोगों को सुनियोजित योजना, सुनियोजित लापरवाही। तो कभी कभी मैं ना मेरी बाइक में नाराज हो जाता था, अरे यार ये सामान अभी हटाया, अभी ये सामान करा नहीं, वो सामान मैंने कहा था वो कपड़े प्रेस के रख देना और कुछ इस प्रकार का हम दोनों में चलता रहता था। सर ने हाल ही में अभी दो हफ्ते पहले की मीटिंग में इतनी जबरदस्त जानकारी दी है, सुनियोजित लापरवाही, मतलब जो काम करना आपको जरूरी है उसमें लापरवाही। अब आप सोचोगे कि जो काम करना जरूरी है उसमें लापरवाही करेंगे तो क्या करेंगे? सर का एक बहुत बड़ा मतलब था जो सबसे पहले मुझे समझ में आया, मुझे ऐसा लगता है और किसी को भी समझ में आया, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आया क्योंकि उनका इशारा था गोल की तरफ और आज मैं सुनियोजित लापरवाही करके दोनों मियां बीवी करके अपने गोल की तरफ ध्यान लगाते हैं। ये उंगली गोल पे जा रही है, मेरा गोल वहां है, हम लोगों को वहां जाना है, बस यही करते हैं हम। थैंक यू। जो अभी दीपिका भाभी ने बताया था कि घर गृहस्थी में बहुत सी प्रॉब्लम रहती है कि ये करना है वो करना है और ये ही है ना, मेरे साथ भी था, लेकिन बात बात पे मेरे हस्बैंड यही कहते थे मनीषा तुम्हें ये करा है कि तुम्हें ये यहाँ पे रखना है, लेकिन मैं इनसे ये कहती थी मेरे को पहले मेरा काम करना है। तो अपन को वही करना है जो अपना पहला मकसद है, पहले अपन को वो करना है, सुनो जी लापरवाही करनी है। थैंक यू। अब अगला टाइटल है प्लेटिनम। मैं चाहूंगा